अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आपकी अक्षय। तो आज की शुरुआत हुई सहरी बनाने से। तो सहरी में मैं आज बनाई हूँ आलू के पराठे, क्योंकि बहुत दिन से आलू के पराठे खाने का मन था और टाइम तो देख रहे हो आप लोग, कोई कोई टाइम सेट हो ही नहीं पाता है। तो सोचा आज सहरी में आलू के पराठे बनाएं और सबको खिलाएं। स्पेशली मेरी मम्मी को आलू के पराठे पसंद है चाय के साथ, मेरे भाई को पसंद है बिगे चटनी के साथ भी वो खा सकते, उसको बहुत पसंद है। फिर हमने पढ़ी फजर की नमाज। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हो गया था, बर्तन वर्तन सब थे, हमने उस बर्तन को धोया, सहरी के बर्तन थे। फिर बाद मैंने कपड़े भी गए थे, कपड़े धोए। फिर मैंने पढ़ी जोहर की नमाज। जोहर की नमाज पढ़ते पढ़ते आ गए थे हमारे ट्यूशन के बच्चे, जिनकी टेस्ट है, और बहुत से ऐसे बच्चे जिनने हमारे रोज़ा भी रखा है, तो उनकी हालत थोड़ी डाउन भी चल रही है। और बहुत से एग्ज़ाम आज तो डबल बच्चे थे, क्योंकि सुबह के बैच के बच्चे भी आज दिन में ही आए। फिर मेरा भाई ले आया था इफ्तार की तारीख के लिए, सामान ला के दे दिया, उससे मुझे दही ला के दी, क्योंकि मुझे आज बनानी है एक अलग सी रेसिपी। जो आज रेसिपी मैं आपके साथ फुल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो गुजरात की फेमस रेसिपी है। तो अभी मैंने वटाएँ छीलना शुरू कर दी, चूँकि मेरी बहन को जो बनाना है मैगी कटलेट, उसमें वटाएँ देंगी, तो मैं वटाने उसको छील के दे रही हूँ कि वटाएँ छील दूँ। तो मैं आज बना रही हूँ खांडवी, जिसमें मैंने एक कप बेसन लिया है और उसमें एक कप दही ली है। उसमें थोड़ा सा डाला मैंने हल्दी, नमक, लहसुन मिर्ची का पेस्ट, हींग। अब ये सब डाल के मैं अच्छे से इसको फेंट लूँगी थोड़ा लिक्विड जाए। फिर मैंने इसमें एक कप पानी डाल दिया, और अब एक कप पानी में इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और अच्छे से इसको एकदम लिक्विड जैसा बना लूँगी। आप इसमें अपने हिसाब से पानी ले सकते हैं, जितना आप बेसन ले उतना पानी ले सकते हैं। तो एकदम अच्छे लिक्विड फॉर्म में ये मैंने बना के रख लिया है। इसको आप 10 मिनट को रेस्ट दें, उसके बाद आप तेल डालें, और तेल में इस बैटर को डाल के अच्छे थोड़ी देर तक फेंटते रहे एकदम मिक्स हो जाना चाहिए गाढ़ा जैसा। अब जब आपके इसका होने लगे तब आप इसको एकदम अच्छे से प्लेट में कर सकते। देखिए एकदम मेरा एकदम टाइट हो गया है, बन भी गया। मैंने इसे एक दो बार प्लेट में चेक भी कर लिया कि मेरे खांडवी अच्छे से बन रही है कि नहीं बन रही, और मेरी बहन इसमें ट्राई करके बताई हाँ बन गई है। तो हमने फटाफट उसको प्लेट में भी अप्लाई कर लिया है खांडवी को, कि प्लेट में हम लोग फटाफट उसको कर लें। और मैंने पूरा ऑलमोस्ट 4-5 थाली लग गई, कढ़ाई वढ़ाई पूरी खाली कर दी हमारी। अब यहाँ पर मैं इसमें कटिंग कर रही हूँ कि मैं इसको रोल कर सकूँ। सब में मैंने एक साथ ही कट लगा के रख दिया कि तब तक थोड़ी देर ठंडे भी हो जाएंगे, और मैं इनको फटाफट रोल बना लूँगी। छोटी तरह था, बहुत ही क्यूट लग रहा था, मैं बहुत मुश्किल से होता। मैं यहाँ पे इसको रोल कर रही हूँ कि खांडवी में अच्छी तरह। मैंने स्टार्टिंग में जो दो खांडवी बनाई वो मेरे से ना टूट गई थी, तो मैंने ये वाली बहुत सेफ्टी से बनाई कि मेरी खांडवी अच्छी बने। और खांडवी में बेसिकली मेरे भाई को बहुत पसंद, उसकी फेवरेट है, उसकी फरमाइश से मैंने ये खांडवी बनाई है। गुजराती रेसिपी हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि हम गुजरात में रिसेंटली रह रहे हैं आजकल ही तो हम लोग माशाल्लाह से 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो हम लोग को कुजरती खाना है, खांडवी, खम्मन, ढोकला, ये सब पातड़ी, ये सब खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरी खांडवी बन के रेडी हो गई। अब मम्मी बोल रहे हैं थक्की खीर बना दे सबको, हम उसमें इफ्तारी में खीर देंगे। तो मैं यहाँ पे दूध उबालने चढ़ा दी हूँ साइड में, और मेरी बहन बना रही है मैगी के कटलेट, तो उसकी वो भी तैयार हो गया है। अब बस मैं उसको टिक्किया बना बना के अपनी साइड में भजिया बना रही हूँ, चने की दाल और मूंग की दाल की, मम्मी की फेवरेट है ना, तो हर 2 दिन में हम इसको बनाने का ट्राई करते ही करते हैं। फिर मैंने बना दी मैगी की कटलेट, मैं साइड में वो भी फ्राई करी, दोनों कढ़ाई मैंने चढ़ा दी तेल चढ़ा के। ये हमारी इफ्तारी हो चुकी है तैयार, अब हम बैठ के दुआ मांग रहे हैं, और ये मेरी फेवरेट जो मैंने बनाई है उसको टेस्ट करके बता रही हूँ। फिर मैंने पढ़ी मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ के बाद खाना चढ़ा दिया, क्योंकि पापा आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।